हजार लोग जो है अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तमाम तरह की बीमारियां दूर होती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या किसी तरह की बीमारी। जब कोई दवा काम ना आए तो दुआ लगे। क्या आपके प्यार को लग गई है किसी की नजर? हो रहा है आपसे बार बार दूर? क्या आपको भी लगता है आप किसी के वश में हैं? क्या आपको भी रात में डरावने सपने आते हैं? ये वो सवाल है जिसके जवाब आपको दिल्ली 6 के प्रसिद्ध मंदिर में मिल सकते हैं। किया कराया, उतारा, ऊपरी बाधा, बुरी नजर, भूत प्रेत का प्रकोप, मेडिकल साइंस इसे मानने से भले ही इनकार करे, लेकिन क्या ये वाकई में होता है? क्या इससे मौत भी हो सकती है? क्या इससे घर, नौकरी, परिवार में बरकत रुक जाती है? तो जवाब है, पर्चे हैं ये हनुमान जी के, बहुत पर्चे हैं ये बालाजी महाराज के, मतलब ये मानो यहाँ पे आके अलग ही शांति सी फील होती है और अलग ही समझ आता है क्या हुआ। मेरे सामने ऐसे ऐसे पेशेंट थे जो बोल नहीं पाते थे और यहाँ पे आके बोल रहे हैं। आता जी कितनी बार यहाँ आप लोग? मैं छठी बार आ रही हूँ बसंतपुर से। क्या लगता है कि झाड़ा लगाने से भगवान हनुमान जी के मंदिर में कितना विश्वास है? बाबा कुछ आराम भी है? हाँ आराम है आपको? कब से आ रहे हैं? हम छठा झाड़ा है। छठा झाड़ा है, हाँ जी। तो आपको आराम है? तो ये पहले ये चल नहीं पाते थे ज्यादा दूर, चल नहीं पाते थे, अब हाँ। चलने लगे। दिल्ली 6 स्थित नरसिंह हनुमान मंदिर में आने के बाद जब सवाल ही निरुत्तर हो जाते हैं, जब प्रेत बाधा वाले बरसों से परेशान लोग ठीक हो जाते हैं, जब पुरानी से पुरानी बीमारी चुटकी बजाते ही गायब हो जाती है, श्रद्धालु ये कहते नहीं थकते उन्हें चिकित्सा जगत ने निराश किया और यहाँ उनकी झोलियाँ भर गई। इस प्रसिद्ध मंदिर में झाड़ा लगाना महंत गौरव को उनके पिता से विरासत में मिला। मंत्रोच्चार और अभिमंत्रित जल प्रसाद से इलाज को श्रद्धालु बाबा का चमत्कार मानते हैं। इसके साथ ही महंत जी का आध्यात्म, भक्ति और भाव से बाधा को दूर करना, ये सभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ दरबार में ये सार्थक होता नजर आता है जब श्रद्धालु जोर जोर से उच्चारण करते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। नौ बार हमने कहा था तो 9 बार, आज 9वां दिन है। तो आराम है कुछ? देखो अब 1.5 साल से बिस्तर पे पड़े थे और अब बोलने लगे हैं। ये दिखाने कोशिश करूंगा, देख सकते हैं कि इनको जो है चेयर पे ले रहा है, इनका राइट साइड जो हाथ बता रहे हैं कि काम पैर नहीं करता था, लेकिन अब जो है ये बोलने भी लगे और धीरे धीरे चलने लगे। कई सालों से ये बीमार पड़े थे, लेकिन इनके परिवार वालों का और इनका कहना है कि अब ये जो है क्या कहेंगे, बोल पे आप ठीक हो? अब पहले से ठीक है? बोल, पहले से ठीक है? इनका कहना है कि गल कर। अच्छा, बोलने लगे हैं कुछ न कुछ? अब पहले से बोलने लगे, जैसे बिल्कुल ही नहीं बोलते थे ना, अब बोलने लगे हैं थोड़ा। लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कहीं कुछ ऐसा जरूर रह जाता है जिसका समाधान आध्यात्म, विश्वास और श्रद्धा से ही मिलता है। शायद यही वजह है यहाँ लगने वाले श्रद्धालुओं की कतारों की, पीड़ितों की, जो आंसू लेकर आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। बस मामला सारा श्रद्धा और विश्वास का है। क्या आप इसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।